इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में आ जाते हैं और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आते ही वायरल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कैमरे की आंख में कैद हो गए। इससे पहले भी हमने जिन मोमेंट्स के बारे में आपको बताया वो वाकई दिलचस्प मोमेंट्स थे और ऐसे मोमेंट्स थे जिनको देखकर आप हैरान और परेशान रह गए थे। आपको शायद साइक्लोन तावते याद होगा। इसमें यह भी याद होगा कि एक ऐसा तूफान आया था जिसने पूरे के पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था और एक ऐसी कश्ती थी जिसमें 13 अफराद सवार थे जिसमें से 2 लोग बचे थे। आप इस गुफ्तगू को मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा कि इस कश्ती पर सवार 13 के 13 अफराद में से 2 लोग जो बचे थे ये वही लोग थे जिनमें सूरज चौहान शामिल था और एक दूसरा इसका साथी शामिल था। ये एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि कोई बात नहीं, 2 घंटे में ये तूफ़ान थम जाएगा। ऐसे तूफ़ान ज़िंदगी में वैसे भी हमने बहुत देखे हैं, इस तूफ़ान की तो कोई बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने ऐसी हिम्मत का मुजाहरा किया कि तमाम तर लोग हैरान रह गए। फ्रांसिस इस जहाज़ का कप्तान था और वो ये बात कह रहा था कि इससे पहले भी बहुत सारे तूफ़ान हमने देखे हैं लेकिन ये तूफ़ान अपनी किस्म का अलग ही तूफ़ान था। और तो और लोग ये बात कहते हुए भी नज़र आ रहे थे कि अगर ये लोग इस सूरत में बच सकते हैं तो इसका मतलब वाज़े तौर पर यही है कि कुदरत अभी मायूस नहीं हुई और लोगों को भी कुदरत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिक्र कर लेते हैं केरला रियासत से जुड़े एक इलाके तिरुनेलवेली का, जहाँ पर एक बूढ़ा और एक बुढ़िया मौजूद थे और वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे कि 2 चोर आए और चोर ने बड़ी आसानी के साथ एक बुज़ुर्ग को पकड़ लिया और उसको मारने की कोशिश करने लगा। इतनी ही देर में शोर सुनते हुए एक औरत बाहर निकली। वो औरत इसकी बीवी थी और उसने इसको बचाने के लिए जूतों के हमले करना शुरू कर दिए। आप हैरान होंगे, क्या जूते से किसी का मुकाबला किया जा सकता है? उसके पास कोई और चीज़ नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आई, उसने जूते मारना शुरू कर दिए और जूतों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। हालांकि उन लोगों के पास एक ऐसे हथियार मौजूद था जो किसी भी वक्त उनको काट सकते थे। फिर वही हुआ, डाकुओं ने उन पर हमला करने की बजाय वहाँ से अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहाँ से भाग निकले। इनके हाथ में जो चीज़ आती चली गई वो इस चीज़ पर हमला करते लगे। उन्हें मालूम था कि उनका कुछ नुकसान तो वो कर नहीं सकते, कि अगर नुकसान कर भी देंगे तो क्या ज़िंदगी बचाना ज़्यादा अहम है? इसलिए उन्होंने इन चीज़ों से मुकाबला करना शुरू कर दिया, जूतों से, लातों से, घूंसों से, मुक्कों से और जो भी कुछ आया, चाहे वो स्टूल था या कुर्सी थी, उन्हें मारना शुरू किया। फिर उन्हें रियासत की जानिब से बहादुरी का इनाम दिया गया। ये मई 2021 का वाकया है झारखंड का। इस चीज़ को देखते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे कोई एलियन सड़क पर सफ़र कर रहा हो। वैसे आप बताइए, पहली दफ़ा देखकर आपको क्या लगा कि एलियन है या कोई और चीज़ है? अगर नहीं मालूम तो हम आपको इस वीडियो की हकीकत बता देते हैं। इस बात के बारे में तो आपको इल्म ही है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और उन लोगों के सामने जब भी बात पेश आती है तो वो कहते हैं कि एलियन है, दूसरे जहां से आया कोई आदमी है और इंडिया वाले तो टॉक ऑफ द टाउन बना देते हैं इस वीडियो को। हालांकि इसकी हकीकत कुछ और है। इसकी हकीकत ये है कि वो लोग जो इसको एलियन समझ रहे थे उन्हें अपनी मुँह की खाना पड़ी, क्योंकि कैमरे की आंख ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि ये नेशनल हाईवे का वाकया है, झारखंड की ये लोकेशन है जो कि 2019 में ये वाकया पेश आया। 1.5 मिनट की वीडियो फिल्माई गई थी और उस 1.5 मिनट की वीडियो में ये जो औरत नज़र आ रही है ये बेचारी दिमागी मरज में मुब्तला है और दिमागी मरज में मुब्तला होने की वजह से अपने जिस्म को भी ये ढांप नहीं सकती थी और इसको मालूम ही नहीं था कि कपड़े पहनना ज़रूरी है। इससे बढ़कर तो शायद और कोई बात नहीं होगी। इस शख्स को देखिए जिसकी कॉल आ रही है। कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रवि है। रवि ने इस प्रोग्राम में बताया कि मेरे दादा ने 1990 में शेयर्स खरीदे थे। उस वक्त ये शेयर 10 रुपये का था जब ये शेयर्स खरीदे गए और 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे। जब इसने कॉल की रवि ने दिल्ली से तो ये शेयर्स बहुत बढ़ चुके थे, यानी एक शेयर की कीमत 65,000 रुपये हो चुकी थी। 65,000 रुपये इन शेयर्स की कीमत थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए की गई थी अब ये 1,50,00,000 रुपए की हो चुकी थी। क्या आपने कभी इतनी बड़ी दौलत के बारे में सुना है? इसलिए ज़रूरी है कि आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करें। रियल स्टेट से हटकर भी आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहानाबाद का इलाका है जहाँ पर एक औरत का घर था और वो औरत इस इमारत में बैठ कर अपना काम करती थी। इस इमारत में उसका सामान भी मौजूद था लेकिन बुनियादें कमज़ोर होने की बिना पर यह इमारत नीचे आन गिरी और उससे पहले इसके गिरने से
थोड़ी देर पहले एक बेवकूफ ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग इतनी जल्दी में होते हैं, इसलिए इंसान को जल्दबाज कहा गया है और अपनी जल्दबाजी में इंसान बेवकूफ़ी भी करता है। खैर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइए। इस खातून को देखिए जिसका नाम हैली बताया गया है। हैली के बारे में कहा जाता है कि अपने पालतू कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और इसने अपनी मोहब्बत का अंदाज बताते हुए वाजे कर दिया कि वाकई इसकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। हुआ कुछ यूँ कि एक मामा बेयर आई और मामा बेयर एक भूखी होने की वजह से अपनी औलाद को भी साथ लाई थी। कुछ खाने की तलाश में वो यहाँ पर पहुँची और उसने कुछ खाने के लिए चीज़ें तलाश करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद कुत्तों ने देखा कि यहाँ पर तो रीछ आ चुका है। उन्होंने रीछ को भगाने की कोशिश की और उन पर भौंकने और चीखने चिल्लाने लग गए और तो और मामा बेयर पर हमला भी कर दिया। मामा बेयर को ऐसे लगा कि जैसे उसके बच्चों पर हमला करने लगे हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा और एक कुत्ते को ऊपर बिठा लिया। इसी स्नान में हैली आई और उसने जल्दी से मामा बेयर को धक्का देकर नीचे फेंक दिया और अपने कुत्ते को बचा लिया। इसी स्नान में उसके अंगूठे पर, उसकी एक उंगली पर जख्म भी आ गया और पूरी दुनिया में उसकी वीडियो वायरल हो गई। दुनिया ने उसको सराहा और सताइशी अंदाज में उसकी तारीफ भी की। अब आप ये बताइए कि क्या ये उसकी बेवकूफ़ी थी या वाकई उसकी हिम्मत थी और अपने कुत्तों से प्यार था, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। ये नवंबर 2017 का वाकया है, गिर नेशनल पार्क का ये वाकया है, जहां पर ऐसे बेवकूफ़ थे जो कि बाइक्स पर सवार थे और बाइक्स पर सवार होते हुए शेरों को तंग कर रहे थे, उनके साथ ही साथ वीडियो बना रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कोई इस तरह का बेवकूफ़ भी हो सकता है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो वाकई आप भी इस चीज़ से महरूम हैं कि आप सोच समझ सकें और जान सकें कि जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये बाइक्स पर मौजूद थे और इस नेशनल पार्क में इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पलट कर ये इन पर हमला कर देते तो क्या होता, आप जान लीजिए कि अखलाकन भी गलत है और कानून भी गलत है। इसी तरह का ये वाकया है कि लोग पैदल जाकर इन शेरों की तस्वीर बना रहे थे और वीडियो बना रहे थे और शेर आगे आगे भागे जा रहे थे। अगर शेर पलट कर आ जाते और इनको खा पी जाते तो कौन इनके बारे में ख्याल करता, इसका जिम्मेदार कौन होता? कमेंट सेक्शन में आप हमें लाजमी बताइए क्या वाकई ऐसा करना चाहिए। ये दिसंबर 2020 का वाकया है, गुआंगडोंग प्रोविंस यानी गुआंगडोंग सूबे का वाक्या है, जहाँ पर एक शख्स आता है, एक राइडर बुनियादी तौर पर आता है, उसने अपने मुंह को कवर किया हुआ है और वो खाना रखकर या गालबन कोई पार्सल रखकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मुझे ये खाना ऊपर फ्राहम किया जाए। ये बात उस पार्सल लाने वाले को बुरी लगी और उसने उस खाने पर थूक दिया। ये बात बहुत नागवार थी और इसी वजह से उसने तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर कंपनी को भेजी। ये देखिए किस शख्स ने क्या हरकत की है। कंपनी ने उन्हें 230 युआन का कूपन देकर अपनी जान छुड़ाई, वरना इस कंपनी पर केस भी हो सकता था। अब आप बताइए कि ऐसे केसेस के आपके सामने आए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा।